स्टेप वन ट्रांसफर क्लोजर ऑफ एसेट स्टेप टू क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीजेशन ऑफ एसेटेट लाइबिलिटी है ट्रीटमेंट ऑफ अनर एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है अनरिकॉर्डेड आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा आपने एक लैपटॉप लेके रखा हुआ था आप बुक्स में ने, आपने दिखाना ही भूल गए रिकॉर्ड करना भूल गए आप अपने घर से कोई एसेट ले आए थे यूज करने के लिए बिजनेस में आप उसको दिखाना ही भूल गए अनरिकॉर्डेड एसेट एसेट एग्जिस्ट अन्यूशन के टाइम उसको बेच के कुछ पैसे मिले बट बैलेंस शीट में वो अपेयर नहीं कर रहा था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिजोल्यूशन के टाइम आपको एक लाइबिलिटी पे करनी पड़ी जो आपकी बुक्स में अपेयर नहीं कर रही थी

बोलो no, जो अकाउंट आपने क्रिएट ही नहीं करा जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी जिसका लेजर ही ही नहीं नहीं बना जो अकाउंट ही नहीं करता वो क्लोज कैसे हो सकता है तो स्टेप वन और स्टेप टू तो एग्जिस्ट ही नहीं करते अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए क्योंकि उनके क्लोजर की जरूरत ही नहीं है वो अकाउंट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते अकाउंट्स एग्जिस्ट नहीं करते बट अगर आपके पास कोई एसेट है जो बुक्स में नहीं अपेयर करता लेकिन उसको बेच के आपके पास कोई कैश आया तो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स तो हुई तो वो सेम एंट्री हो जाएगी वो सेम एंट्री हो जाएगी सेम एज रिकॉर्डेड एसेट्स स्टेप थ्री रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अगर आपने एसेट मार्केट में बेचा कैश और बैंक टू तो रियलाइजेशन अगर पार्टनर ने टेक ओवर करा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन तो स्टेप थ्री रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एक्टली सेम एंट्री पास होगी जैसे आप रिकॉर्डेडेडेड एसेट्स विच डू नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन बट दे रियलाइज समू वेन द फर्म इज डिजॉल्व जब आपने डिजोल्यूशन करा तो उनको बेच के कुछ पैसे आए

रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर अकाउंट एंट्री का लॉजिक एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है मुझे एंट्री no, sure. तो सेम ही है बस ये ध्यान रखना है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज केस में स्टेप वन और स्टेप टू नहीं होते स्टेप थ्री और स्टेप फोर होते हैं रियलाइजेशन और पेमेंट <coughs> तो ध्यान से देखना रियलाइजेशन का लेजर अकाउंट रियलाइजेशन का लेजर अकाउंट रियलाइजेशन ऑफ अन बोथ रिकॉर्डेड एंड अनुसार बैंक पार्टनर ने टेक ओवर करा तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेम लाइबिलिटीज के लिए अनरिकॉर्डेड अगर कोई लाइबिलिटीज है तो जैसे रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की पेमेंट हुई थी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज क्लियर यस